सर वो प्रेग्नेंट, प्लीज सर गुनगुन को आप बचा लो, पता नहीं कहाँ है सर। सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर। तो फिर हो सकता तूने गायब कर दी। अरे सर मेरी बीबी है, मेरा बच्चा है उसके कोख में, मैं अपनी बीबी को कैसे गायब करवा सकता हूँ? बेटा बेटे को करवा देता है भाई, तुम्हें पता नहीं आ रहा है? ऐसे लोग नहीं है सर, नहीं लोग तो सभी साफ होते हैं। तो हेलो गाइज, कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज यार गुनगुन कल से गायब है, मतलब समझ नहीं आ रहा गई तो गई कहाँ। इन लोग से पूछो तो ये लोग मुंह फुला के अलग ही लड़ने के लिए बैठ जाते हैं। मतलब यार लड़की प्रेग्नेंट है और मतलब अचानक गायब क्यों? इसके पापा भी तो गायब कर सकते हैं, राधिका के पापा पहले जब ये हरकत कर सकते हैं उसको बिस्किट खिला करके बच्चे को नुकसान करने की कोशिश, तो ये भी कर सकते हैं कि गायब करवा दिया हो। अब ये लोग तो भाई बता नहीं रहे, मैंने परेशान होकर के मैंने पुलिस वाले को भी फ़ोन किया, वो भी आ रहे हैं कि भाई आप मेरा रिपोर्ट लिखो। अब 24 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, अब कितने देर तक आदमी रुका रहेगा? बाकी देखते हैं, आप लोग भी दुआ करो कि जो भी है जिस हाल में भी गुनगुन जहाँ भी हो सही हो और मिल जाए। बस हम लोग तो परेशान हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया, समझ नहीं आ रहा। बोल के गई थी कि घर जा रही हूँ पापा से मिलने। A few moments later. नमस्ते सर। सर सर प्लीज़ गुनगुन गायब हो गए सर, गुनगुन का पता नहीं चल रहा है। पता नहीं चल रहा कहाँ गई? सर वो यहाँ बोल के मुझे बोल के गए थे कि मैं अपने मम्मी के यहाँ जा रही हूँ, पापा से मिलने जा रही हूँ, उसके बाद से अभी तक तो उसका पता ही नहीं चल रहा है। तो उसके 24 उसके पापा भी तो आए हैं ढूंढने के लिए, हम लोग ढूंढ ढूंढ के थक चुके हैं, वो मिल ही नहीं रही है। सर वो प्रेग्नेंट, प्लीज़ सर गुनगुन को आप बचा लो, पता नहीं कहाँ है सर। सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर, गायब हो गई। कहाँ है गुनगुन बता फिर? सर मुझे क्या पता, मुझे अगर पता होता तो मैं आपको थोड़ी बोला था। तो कहाँ था जब गुनगुन गई थी? तो मैं घर पे ही था, सुबह सुबह मुझे बोल के जा रही है कि मैं अपने मम्मी पापा से मिलने जा रही हूँ। तो किसी ने देखा कि तू घर पे था और गुनगुन? राधिका और उसकी मम्मी इस वाले रूम में थी, मैं उस वाले रूम में था गुनगुन के साथ। सुबह 9:30 बजे वो यहाँ से निकली है। हाँ। मैं बोला मैं भी चलता हूँ साथ, वो बोले नहीं रहने दो मैं अकेले चली जाऊंगी। उसके बाद से वो मिल नहीं रही है सर, प्लीज आप उसको ढूंढो कहाँ है। उसके बाप ने गायब कर दिया। सर ये क्या बात कर रहे हो सर, वो उसके पापा क्यों, मतलब कोई बाप अपनी बेटी को गायब करेगा? हो सकता छुपा दी उनने कि पूरा केस इतना फैला पड़ा है। सर आप उल्टा क्यों सोच रहे हो सर, ऐसा नहीं है, हम दोनों परेशान हैं, उसके पापा करोड़ों करके हालत खराब है, तबीयत खराब हो रही है। तो फिर हो सकता तूने गायब कर दी। अरे सर मेरी बीबी है, मेरा बच्चा है उसके कोख में, मैं अपनी बीबी को कैसे गायब करवा सकता हूँ? देखो जी यार तुम लोगों ने यार बड़ा ही दुखी कर रखा, कभी कुछ। प्लीज सर आप उसको ढूंढो, जो जो लोग हैं राधिका के मम्मी पापा सब सीधे मुंह बात करने को नहीं दे रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा मुझे सर किसने गायब किया। आप तो पुलिस वाले हो ना, आपके कहने पे तो हर कोई सुनेगा ना, आप उससे बात करो ना, चाहे टॉर्चर करके निकलवाना हो बात निकलवाओ ना, कहाँ छुपाया, क्यों छुपाया, क्या दुश्मनी है, क्या सबूत है कि उन्होंने छुपाया? तो सर सबूत नहीं है ना, लेकिन गायब हुई तो कम से कम मेरा रिपोर्ट तो लिखोगे ना? रिपोर्ट मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगा फिर लिखूंगा। तो मतलब इतने देर वो जहां रहे उसके साथ जो होना रहेगा हो जाएगा, उसके बाद आप लिखोगे फिर फायदा क्या है? मैं पूछताछ करता हूं जाके, देखता हूं मैं तुम्हारा आसपास। अरे सर आप FIR तो लिखो कम से कम। FIR मैं लिख लूंगा, अभी नहीं लिख रहा मैं, पहले मेरे को पूछताछ करने, तो फिर मैं FIR लिखूंगा। तो एक काम करो तुम, वो गुनगुन का बाप है ना उसको बुलाओ। अरे सर उनसे क्या पूछताछ आपको करना है? अरे पूछूंगा, वो अपने बुलाओगे आप। सर उनकी क्या गलती है, उनसे आप क्या पूछताछ करोगे? जो लोग गायब किए, जो लोग दोषी है कहाँ गए हमें तो वही नहीं पता है। तो आपको इसका मतलब पता है कि कौन दोषी है? जिस पे मेरा शक जा रहा उनका नाम आप लिखो ना। मुझे शक है राधिका पे, उसके मम्मी पे, उसके पापा पे शक है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने पहले वो उन्होंने आपके ऊपर केस कर रखा, आपने गुनगुन को छुपा के फिर उन पे केस बना रहे हो। अरे सर मैं ऐसा क्यों करूंगा सर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ आपसे, प्लीज सर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप गुनगुन का पता लगाओ, हम लोग बहुत परेशान है। आपको राधिका के पापा से ही बात करनी है ना? ठीक है मैं बोल दिया, वो आ ही रहे होंगे, आप देख लो। लेकिन आप मैं जिस जिसका नाम बता रहा हूँ, जिस जिस पर शक है उसके खिलाफ आप ये लिखो। नाम बता दो मेरे को आप, मैं नाम लिख ले रहा हूँ। मुझे सबसे पहला शक है राधिका के पापा पे, क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने गुनगुन को जहरीला पदार्थ खिला करके मेरे बच्चे को नुकसान करवाने की कोशिश किया गया था, उसका आप नाम लिखो सबसे पहले। ठीक है, और दूसरा है, दूसरा उसकी मम्मी, जब से आए हैं यहाँ पे ड्रामा कर रही है, लड़ाई झगड़ा कर रही है, गुनगुन को घर से बाहर फेंको फेंको, तो ऐसा भी तो हो सकता है इनका कुछ चाल हो। आ गए पापा, आ जाओ, आ गए पापा भी आ ही गए, इनसे ही पूछ लो कुछ पता चला पापा? अरे नहीं मैं थक गया यार, परेशान हो। देखो सर अब इनके ऊपर आप कैसे बोल रहे हो कि ये और बच्ची बहुत परेशान हूँ मैं। आप ये बताओ
आपके घर गुनगुन कितने बजे आई थी? अरे पहुंची नहीं है ना सर, यहाँ से निकली है 9:30 बजे। और मेरे मैंने उसका फ़ोन ट्राई करा, उसका फ़ोन नहीं मिला बहुत देर तक। फिर मेरे को काफ़ी घबराहट होने लगी, तो मैं यहाँ उसको देखने के लिए यहाँ भागा, इसके पास आया तो मैंने बोला वो गुनगुन कहाँ है, उसका फ़ोन नहीं मिल रहा। तो मैं कहा फ़ोन वोन इधर उधर रख देते, बच्चे कहीं पड़ा होगा। तो ये कह रही गुनगुन तो अभी गई होगा टाइम, जैसे सवेरे के टाइम निकल गई थी घर के लिए पापा के पास जिन्हें बोल के। मैं कहा मेरे पास भी नहीं पहुँची है, और मेरे को चिंता हुई। फिर हम दोनों लोग गए हैं उसके जितने फ्रेंड वगैरह हैं सबके घर गए हम देखने के लिए। और देखने के बाद में मतलब जब से फ़ोन भी उसका नहीं मिल रहा है, और बहुत परेशान हो गया। अभी भी मैं देख के आ रहा हूँ, जो रह गए थे लोग जो मिल सकते थे जहाँ पर मिल सकती थी, मैं वहाँ होके आया हूँ, कहीं नहीं मिल रही लड़की, और बहुत परेशान हो गया मैं। कितना टाइम हो गया सर? 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, कल का मामला है। हम लोग पहले 24 घंटा वेट किए, कहीं फ्रेंड वेरेंड किया, कहीं गई होगी तो अपनी तरफ से हर जगह देख लिया सर उसको, मतलब वो मिली नहीं लड़की। तब आपको हार के इसने फ़ोन किया, मैंने ही बोला इसको फ़ोन कर सर को, बढ़िया आदमी है सर, हमारी बेटी ढूंढ के ला देंगे, मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए प्लीज़, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। अगर तुम दोनों में से कोई दोषी पाया गया सर, हम ये केस को इधर घुमाने फिराने के चक्कर में तुमने कहीं सर, एक बाप अपनी बेटी को गायब करवाएगा क्या? बेटा बेटे को करवा देता है भाई, तुम्हें पता नहीं आता जमाना। ऐसे लोग नहीं है सर, नहीं लोग तो सभी साफ होते हैं, लोग तो सभी शरीफ होते हैं, कोई कोई बदमाश नहीं होता जैसे आप समझ रहे हो, ठीक है। और हमारी बच्ची को हम परेशान है वो हम जानते हैं, आप मेहरबानी करके रिपोर्ट लिखो और उसको बच्ची को ढूंढ के दो हमारे को। सर मैं जो बताया हूँ वो लोग सीधे मुंह हम लोगों से बात तो कर नहीं रहे। पहले भी जब उसके पापा गुनगुन के साथ गलत करने की कोशिश कर सकते हैं, तो अभी भी उनका हाथ हो सकता है, या किसी से करवाया गया होगा, वो जा रही होगी घर में, हो सकता है कि रास्ते से किडनैप करवा लिया गया हो, कुछ भी हो सकता है मामला। तो एक बार आप खुद से जाओ, हमारी बात तो वो लोग सुन नहीं रहे, आप खुद से जाके पूछताछ करो, मेरा काम है रिपोर्ट लिखवाना, मैं रिपोर्ट हाँ पता चलेगा ना, हम लोग से तो सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहे। हम जहाँ तक देख सकते हैं देख रहे हैं अपनी तरफ से, हम अभी भी कोशिश करते रहेंगे, लेकिन आप अपने लेवल पे कोशिश करो सर, उसको बच्ची को ढूंढो, वो प्रेग्नेंट है, बहुत दिक्कत हो जाएगी। नहीं तो देख लो, मैं कर तो दूंगा, मैं इन्वेस्टिगेशन शुरू तो कर रहा हूँ उस पर अगर मुझे दोनों में से कोई भी इन्वॉल्व मिला इसके अंदर। अरे सर आप फांसी चढ़ा देना, ऐसी क्या बात कर दी आपने यार, हम खुद परेशान चल रहे हैं सर। जो आप कहोगे ना, अगर हम लोग दोषी पाए जाते हैं, जो सजा देना हो दे देना, हम तैयार। हमारी बेटी मैं करो किस हाल में होगी, उसकी चिंता नहीं कर रहे आप। चलो ठीक है, मैं इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, आप प्लीज आप उन लोग से पूछताछ करो, अपना उनसे जरूर करो पूछताछ। हाँ। हमें जैसे ये बता रहे लड़का, बहुत डाउट है उन पे भी। ठीक है सर, आप पता लगाओ, हम लोग भी चलते हैं उधर देखते हैं, देख के आते हैं और चलो देखते हैं।